सारी बातें। भारत ही एक ऐसा देश है जो ये सोचा कि साहब मनुष्य के विकास में उसका सबसे प्रमुख भूमिका क्या है, मन, मन को ठीक किया जाए। दुनिया में मन को ठीक करने की चर्चा कहीं नहीं होती, तन को ठीक कर लिया जाए, तन को सुंदर बनाया जाए। मन कुछ भी रहे चलेगा, लेकिन समस्या तो मन से है ना, मन नहीं लगता। अब ये साइंस के लिए कोई मामला ही नहीं, विज्ञान के पास, डॉक्टर के पास आप जाओगे और डॉक्टर साहब बड़ा परेशान है, भले चंगे हो, सर्दी है नहीं, खांसी है नहीं, कोई बीमारी है नहीं, मन नहीं लगता। अब वो डॉक्टर कहता है तो लगाओ, कहीं लगाओ। अच्छा, रियल में मन नहीं लगता ऐसा है क्या? नहीं, मन चूज करता है, चुनता है कहां लगना चाहिए, कहां 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 लगता है। कुछ जगह तो ऐसा है कि हटता ही नहीं है, है? मन है कि मानता ही नहीं, बड़ा आनंद देता है उस समय, घंटों समय बीत जाता है पता ही नहीं चलता, अरे 4 बज गया। और जब पढ़ने के लिए बैठी है तो अभी लगता है 3 ही बजा है। मतलब मन भी चूनता है, तो मन का क्या है, मेथड ठीक करना पड़ेगा, तरीका ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि मन का चुनाव सही करना पड़ेगा, मन को रसदार बनाना पड़ेगा, और इसके लिए हमें प्रयत्न करने पड़ेंगे। ये आसानी से मामला बनता नहीं, जैसे पानी को ऊपर ले जाना है तो आप जानते हो मोटर लगता है, लेकिन पानी को ऊपर से सीधे नीचे लाना है, टोटी खोल दो, कोई समस्या, ऊपर ले जाने में समस्या, नीचे लाने में कोई समस्या नहीं है। इन दिनों जितने गायक हैं, कुछ को छोड़, जितने लोग हैं, अब तो थोड़ा सुधार हो रहा है, गायक है, मैं पिछले दिनों सुन रहा था उसका स्टेटमेंट, हनी सिंह, उससे किसी ने पूछा मीडिया ने कि आप ऐसा गाना क्यों गाते हैं जो युवाओं को भटकाता है। तो क्या जवाब दिया, वो ये सुनना चाहता है, हम सुनाते हैं, मतलब आप जो चाहते हो आपको देता है, आप ऊपर उठो नीचे गिरो उससे उसको कोई लेना देना नहीं है। जबकि हमारे गायन में ये ताकत होनी चाहिए कि जिसका मन मुरझा जाए उसका भी मन ऊपर होने लगे, और भारत के गायन में ये व्यवस्था था, हमारे यहाँ वेद, वैदिक काल में वेद, एक वेद ही था उस पर पूरा का पूरा, क्या नाम था उस वेद का, साम वेद। संगीत का भी बड़ा महत्व है मेमोरी को डेवलप करने के लिए, अगर आप अपना मेमोरी डेवलप करना चाहते हैं, आईक्यू बढ़ाना चाहते हैं, अपने को भीतर से खुश रखना चाहते हैं तो क्या सुनिए, लेकिन कौन संगीत, अभी जो संगीत बज रहा है, अगर धोखा धोखी आधा घंटा 45 मिनट सुन लिया जाए तो हम समझते हैं कुछ देर के बाद हमें तो टेबलेट खाना पड़ेगा साहब, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है, आ जाओ मेरे गाड़ी में बैठ जाओ, वो गा रहा है साहब। अभी ये संगीत क्या है, और आप उस पर झूम रहे हैं गाड़ी में बैठ, और आप हिंदुस्तान के युवा हैं, मोदी जी आप पर गुमान करते हैं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरी दुनिया में डफली बजा रहे हैं, भारत का युवा। सच्चाई क्या है कि आपका युवा गाड़ी में बैठ जाने हिलने लगता है, आप इनको स्टार्टअप इंडिया देना चाहते हो, मोदी जी हमारा युवा, उनका बड़ा सपना है, अच्छी बात है, मैं भी सहमत हूं, स्टार्टअप इंडिया कैसे स्टार्ट होगा, अभी तो दूसरा चीज स्टार्ट किए हुए है साहब, इसका स्टार्टिंग पॉइंट जगह गलत है,
और आप इसे स्टार्टअप इंडिया कराना चाहते हो, बैंक लोन देगा। अभी आप यहाँ, मैं किसी बैंक के अधिकारी को बुला लूं, आप सब लॉज में सूचना दे देना कि अगले रविवार को पटना के जितने सीनियर बैंकर्स हैं, बैंक वाले, वो आ रहे हैं, लोन कैसे मिलेगा इसके बारे में आपको बताएंगे, और संभव है कुछ लोगों को वहां से मिले भी। मैं समझता हूं कि ये गायत्री मंदिर का भीड़ कम हो जाएगा। लोन क्यों चाहिए? कुछ करने के लिए नहीं साहब, खाने के लिए चाहिए। हमारा मन, ये मन जो है ये सारा खेल करेगा। हम सारा कंसंट्रेशन बनाते हैं अपने शरीर को सुंदर बनाने के लिए। कैसा लगा? मस्त है यार, आज तो कोई ना कोई लाइन मिल जाएगा तुमको भाई, लाइन तो मिल जाएगा। तू ठीक कहता है, गोलमटोल थोड़ा हमको भी लग रहा है, सुंदर है, लेकिन लाइन के बाद जो मीटर रीडिंग उठेगा वो नहीं है, ये कैसे ठीक होगा? ये बच्चा सब है प्ले स्कूल में पढ़े वाला, और उसको आप थैसिस दे रहे हैं सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, ये वीडियो देख के रात भर सोता है, भोरे नहीं उठा तो शाम में आया, निन्ने नहीं टूटा सुबह में, शाम में आए, और उसको आप कौन थेसिस दे रहे, कौन सा आप इनको दे रहे? आप लोग नहीं, आप लोग तो थोड़ा सा ऊपर अपग्रेड हुए। तो मैं ये कहता हूं, अपने देश का ये बड़ा महत्वपूर्ण कार्य था मन को ठीक करना, मन को खुश रखना। थोड़ा उसको मना करवाओ, उसका नंबर उंबर है उसको दिखवाइए। मन को खुश रखना, मन को प्रसन्न रखना, और ये चीजें हमें मन को, और सारा काम मन से ही होना है। लेकिन आपका कंसंट्रेशन कहाँ है? कोई खिलाड़ी मस्त होके क्रिकेट खेले, आनंदित होके, अच्छा रन बनाएगा, और कोई एकदम प्रेशर में, आज चाचा बोले हैं रन थोड़े बनाएगा, अब वो प्रेशर में है, बल्ला घुमा रहा, तब इन दिनों यही हो रहा है। इन दिनों मध्य प्रदेश सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार, दोनों सरकार ने गायत्री परिवार से समझौता किया है, और गुजरात के एक विश्वविद्यालय से, कि बच्चों के अंदर संस्कार कैसे बनाया जाए, और बच्चों के गार्जियन को भी संस्कारवान बनना होगा। खाली बच्चा के संस्कार से नहीं होगा, आपके हमारे माता पिता पुरनका जमाना का बंदूक लेके घूम रहे हैं, जमाना बदल गया लेकिन उनका स्टाइल वही है। आपको आज वो कह रहे हैं तुम गधा है, तुम गधा है, 10 बार रोज कहा जाएगा गधा गधा गधा, आप भी सोचोगे हम गधा ही है साहब, तुम नहीं पढ़ेगा, एक बार ना सहिएगा नहीं पढ़ेगा, रोजे कोई आपको कहने लगे। अब एक तो ऐसे ही आप अपने मन से परेशान है, ऊपर से उस परेशानी को दूर नहीं किया जा रहा है और हवा दिया जा रहा है, क्योंकि गार्जियन को पता ही नहीं है कि हम अपने बच्चों को कैसे हैंडल करें। जमाना यहां आ गया है, फेसबुक आ गया है, व्हाट्सएप आ गया है, नेट आ गया है, तो साहब गार्जियन को भी हिसाब किताब में समझाना होगा, उन्हें भी संस्कारवान बनाना होगा नए मेथड से। गार्जियन, माता पिता सबसे बड़ा कोच होता है, कोच है ना, कोच का जमाना है, कैरियर कोच, क्रिकेट में भी कोच होता है, वो मोटिवेशनल गुरु है एक ढंग का, आपको मोटिवेट करता है। तो माता पिता से बढ़ के संसार में कोई मोटिवेशनल नहीं हो सकता। अगर माता पिता, अच्छा कोई बच्चा अगर कमजोर है मान लीजिए, तो माता पिता उसका उपाय करेंगे, इलाज करेंगे, कि उसका कहेंगे तुम कमजोर है, तुम पिद्दी है, अरे वो तो है ही, उसको खिलाओगे पिलाओगे बढ़िया से, तंदुरुस्त बनाओगे कि उसको हुमचने से चलेगा सर? इन दिनों हुमचा जा, अब वो बेचारा फ्रस्ट्रेट हो रहा है कि कहां जाए भाई, ना माई को बता सकते हैं ना बाबू को बता सकते हैं, चल दोस्त बे ठीक है, दोस्तवा भी बैठा है इसी फेर में, आया ना वीडियो देख। देखिए मैं ये बात ये बता रहा हूं कि समस्या कहां है, हम समाधान कहां खोज रहे हैं, जड़ में बीमारी है अब पत्ता को सींच रहे हैं, कहे पत्ता सूख रहा है, अरे भाई बीमारी जड़ में हो अब पत्ता पर सींचे से बीमारी ठीक होता है? बुढ़वा पढ़ो पढ़ो, कैसे पढ़ो उसको ठीक करिए, मेंटल फिटनेस, मेंटल फिटनेस भीतर से उसको खुश करिए। अरे कोई बात नहीं,
कोई दिक्कत नहीं। दुनिया में कष्ट कितने ऐसे लोग हुए हैं जो फिसड्डी रहे हैं, आइंस्टीन जैसे लोग फिसड्डी रहे हैं, और उनकी माताजी और उनको कह देती जिस समय उनका मैथमेटिक्स में कि क्या चीज में एकदम माइनस में चला गया, तुम तो फेल हो गया। उनकी माँ ने क्या किया, बताया ही नहीं। ये चीज समझिए सर, आज क्या होता है ये समझिए, किसी को आगे बढ़ाने के लिए उसके कमजोरी पर बार बार हमला आप करिएगा तो बेचारा दब जाएगा और वो आगे बढ़ने से रुक जाएगा। इसलिए सकारात्मक बात, पॉजिटिव चीजें। अब ये आपको नहीं मिल रहा है तो आप सोचेंगे कि हमको कहां से मिलेगा, दुनिया में बहुत सारी किताबें ऐसी है जिनको पढ़ना चाहिए, दुनिया में बहुत सारी किताबें ऐसी है जिनको पढ़ के व्यक्ति अपने अंदर सकारात्मकता लाता है, नकारात्मकता हटाता है, और ये चीजें बुक पढ़ने से आती है। बुक पढ़ने की आदत डालना चाहिए। जितने बड़े बड़े लोग हुए हैं, अभी प्रधानमंत्री हो, मैं एक दिन प्रधानमंत्री जी का यूट्यूब पर देख रहा था कि सुबह 5 बजे जगते हैं, उनका रूटीन है, मेल चेक करते हैं, कुछ बुक भी पढ़ लेते हैं, वो ये करते हैं। बुक पढ़ना चाहिए, इसका एक विशेष प्रभाव है। सुभाष चंद्र बोस का जयंती कब मनेगा, इस तारीख को, कौन थे सुभाष चंद्र बोस है? अभी अनुष्का शर्मा कौन थी तुरंत बता दीजिए। सुभाष चंद्र बोस जीवनी पढ़िएगा, किन किन लोगों ने पढ़ा है, चलिए कम से कम दो चारों को हाथ तो उठा। पढ़ने में कितने जीनियस थे, गीता की पुस्तक हमेशा अपने साथ रखते थे, विवेकानंद के विचार से वो इतने प्रभावित थे कि उनके पिता ने चैलेंज कर दिया। वो कहते थे बार बार कि हम राष्ट्र सेवा करना चाहते, राष्ट्र सेवा करना। विवेकानंद उनके पिताजी ने कहा, सुभाष चंद्र बोस के पिताजी ने, तुम इसलिए इन चीजों में उलझना चाहता है कि तुम्हारा पढ़ाई तुमसे होगा ही नहीं। इसको चैलेंज के रूप में लिया और ICS कंप्लीट किए, इंडियन सिविल सर्विस, और रिजाइन किया, और फिर वो भारत माता की स्वतंत्रता में अपना समय लगाया, और हमेशा गीता का पुस्तक वो अपने साथ रखते थे। आप किस चीज का पुस्तक साथ रखते हो, वीडियो है, सीता जी को साथ रख रहे हो साहब, कहां जा रहे हैं आप, पहुंचना आपको कहां है और आप जा कहां रहे हो। इसलिए हमें क्या ठीक करना है, अपने मन को ठीक करना है, और भारत की विशेष पद्धति, भारत का जो विशेष प्लानिंग था वो यही था। भारत में लोग क्यों आते थे, दुनिया के लोग भारत में क्यों आते थे, मन को ठीक करवाने, तन को ठीक करवाने नहीं आते थे। किस चीज को ठीक कराने आते थे, मन ठीक कर दीजिए। और यहाँ के ऋषि परंपरा में हमारे यहाँ वो मेथड था, नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा में फिजिक्स नहीं पढ़ाया, फिजिक्स तो आपसे ज्यादा जापान जानता है, आप क्या जानिएगा फिजिक्स। नालंदा और विक्रमशिला में मनुष्य को जीवन जीने की कला सिखाई जाती थी, चाणक्य जैसे लोग वहां पढ़ाते थे। अब कल्पना करिए, वेनसांग जैसे लोग कहां से आए थे पढ़ने, चीन से आए थे। स्मार्टनेस का फार्मूला आने वाले दिनों में बदलने वाला है, नोट कर लीजिए। अभी हमारा भारत जिस मुकाम पर पहुंच रहा है, भारत में स्मार्टनेस का परिभाषा बदलने वाला है, बदल रहा है बहुत तेजी से। आने वाले समय में लोग आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपने ये जींस कहां से खरीदा, आपका स्मार्टनेस जींस पैंट और मोबाइल पर नहीं होगा, इंटरनल फिटिंग, आप क्या बोलते हो, कैसे देखते हो, देखने का नजरिया आपका क्या है। आपका नजरिया सही हो जाए, नजरें बदली तो नजारे बदल गए हैं, किस्ती ने रुख बदला तो हमारा नजरिया सही होना चाहिए। आप यहां अच्छे जगह पर बैठे हो, किसी ने आपको बुलाया है, किसी ने कहा चल चल जुबा मंडल, आप आ गए, आपका आदत तो खराब पड़ा हुआ है, बहुत मुश्किल से पकड़ के आप आए हैं। कुछ नए लोग चारों तरफ देख रहे हैं, पंखो लगल है, हम जो बोल रहे हैं उस पर ध्यान नहीं है, हम जान रहे हैं क्योंकि आप अचानक आ गए हैं। खूब बढ़िया बगीचा है।